पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। कैसे नहीं आता बेटा, मेरे आशीर्वाद के बिना तेरी शादी अधूरी नहीं रह जाती। बिल्कुल पापा। और फिर तेरी तनु दीदी ने मुझसे यही कहा था। थैंक यू तनु दीदी। बेटा तुझे दुल्हन के रूप में भी तो देखना था। हर पिता का बरसों से यही अरमान होता है कि अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखे। बेटा आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। पापा, बुआ जी नहीं आई ना, वो मुझसे अभी भी नाराज है। बेटा खुशी के मौके पर यूं मायूस नहीं होते। आज नहीं तो कल तेरी शादी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा उसे। अब हम चलें, मंदिर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई चल गोपी। चलो शर्मी की भी हद होती है। यहां तक पहुंच गए आप? साहिल क्या हो गया है तुम्हें? क्या बजाज जी से किस तरह बात कर रहे हो तुम? हाँ तुम तो बोलोगी, इनके लिए तो कोई कुछ भी कहे तुम्हें तो बुरा लगना ही है। साहिल जी आप कुछ बताएंगे भी कि बात क्या है? ये यूं ही नाराजगी जाहिर करते रहेंगे। बात तो ऐसी है बजाज साहब की जुबान पर नहीं आती। सोचता हूं तो यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे ये तो गैर है, इनसे क्या उम्मीद रखूं? लेकिन तुम इतनी भोली लगने वाली औरत, इतनी मक्कार निकले कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जीजू आप तनु दीदी के बारे में ये सब क्या कह रहे हैं? तनु दीदी बेचारी तो हमेशा सबका भला चाहती हैं। ये बेचारी नहीं है, बेचारी नहीं है ये। और खबरदार जो तुमने मुझे जीजू कहा, तुम्हारे बाप ने और मेरी बीवी ने मिलकर जो गुल खिलाए हैं ना, उससे मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाला है इन दोनों ने। शीतल जरा तो बीच में मत बोलो, ये मेरे और साहिल जी के बीच की बात है। साहिल मैंने और तनु ने ऐसा क्या किया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? क्या किया? अरे आप दोनों ने वो किया है जो कोई शरीफ इंसान सोच भी नहीं सकता। आपके और मेरी बीवी के बीच जो नाजायज रिश्ते हैं ना, उन नाजायज तालुकात की निशानी शांतनु को मैं अभी अभी फेंक कर आ रहा हूं। साहिल क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? वही किया जो करना चाहिए था। लेकिन चिंता नहीं करो, इतना बुरा नहीं किया क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। इतनी दया की मैंने कि उसे उसे कचरे के डिब्बे में नहीं फेंका। इतनी दया की मैंने तुम दोनों की नाजायज औलाद पर कि उसे अनाथालय में छोड़कर आ रहा हूं। साहिल तुम पागल हो गए? साहिल तुमने मेरे बेटे को अनाथालय में छोड़ा? हाँ वो अनाथालय में। साहिल तुम गलती कर रहे हो। गलती तो की है मैंने, इसे पहचानने में गलती की है। गलती आप दोनों के नाजायज बच्चे को पहचानने में की है मैंने, लेकिन अब और गलती नहीं करूंगा। आप दोनों ने जिस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है ना,
मैं उसी तरीके से आप दोनों से बदला लूंगा, तड़पाऊंगा आप दोनों की नाजायज बच्चे के लिए तड़पाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं इतनी आसानी से, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा कैसे कर सकता, सच्ची की मेरा बच्चा अनाथ हालत में, मेरा बच्चा आखिर वो दिन आ ही गया अकुल, तुम दूल्हा बने कितने अच्छे दिख रहे हो, सब तनु की वजह से हो पाया है। हाँ मॉम, तनुदी ने मेरे और शीतल के लिए इतना किया है जितना कोई सगी बहन भी नहीं करती, वो तो हमारे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। अगर मैं उनके लिए जान भी दे दूँ ना तो कम होगा मॉम, सारी दुनिया से लड़कर उन्होंने मुझे मेरा प्यार वापस दिलाया, मेरी जिंदगी बना दी उन्होंने। अब जल्दी से अंदर जाओ और जाके अपने पापा को देखो, कब से तैयार हो रहे हैं, दूल्हे से ज्यादा तो उन्हें सजने संवरने में टाइम लग रहा है, जाओ जाके बुलाओ। एक मिनट, मैं देखता हूँ अभी जाके उनको। डैड, हेलो। हेलो, मैं खुशी बोल रही हूँ। हाँ खुशी, बस हम लोग निकल ही रहे। दीप्ति दीदी गजब हो गया, हम अभी आते खुशी। ले मोटी बहन लड्डू का। अरे ये लड्डू कहाँ से है? देवयानी मासी ने मंगाए। ये सोचकर कि बुआ साहिल भाई के घर जाकर ये बम फोड़ेगी कि शांतनु तन्नु और बजाज जी का बेटा है, इसी खुशी के लड्डू मंगाए। जी रसिक भाई, तुम इस खुशी के लड्डू खाओगे? नहीं 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 मोटी बहन, मैं तो ये समझ कर ये लड्डू खाऊंगा कि सबने कितनी मुसीबतें खड़ी की लेकिन फिर भी तन्नु शीतल और अकुल की शादी करवा रही है, मयंक भाई की शादी शीतल से टूट गई ना, इसी खुशी के लड्डू समझ कर ये खाऊंगा मैं। रसिक भाई, मुझे ये बताओ कि साहिल तो बहुत गुस्से से लाल पीला हो गया होगा ये बात सुनकर। मोटी बहन एक बात मेरे को समझाओ। हाँ। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? एक आदमी की बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसको जाने दो, दूसरी शादी कर लो। अरे तन्नू तो साहिल के साथ रहना चाहती है, साहिल ही उसको छोड़ के चला गया है। अच्छा। हाँ। तो तन्नू को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ? मोटी बहन। हाँ। मेरी बात चलाओ ना तन्नू से। आने, तुम्हारी शादी तन्नू से? ए रसिक भाई, वैसे तो साहिल भी अकेला है, मेरी शादी की बात साहिल से चलाए तो। अरे वाह, हाई क्लास आइडिया है, चल अभी बात करके आते हैं। चल, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैंने सुना है कि साहिल तो बहुत गुस्से वाला है, मैं क्या तन्नू थोड़ी हूँ कि उसका गुस्सा रोज रोज सहन करूंगी, और वैसे भी ऐसी शादी से क्या मतलब जिसमें रोज की कीच 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 हो, मैं तो भाई ऐसी भोली हूँ। साहिल बच गया। हा? नहीं, तुम्हारे जैसी लड़की मिलती तो उसको रोज कीच कीच होती। लेकिन तन्नु तो अच्छी लड़की है ना, बेचारी अकेली हो गई है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। हा? तन्नु को तुम्हारे सहारे की जरूरत है? अपनी सूरत देखी है कभी आईने में? हाँ, आज सुबह ही देखी थी। हा? बहुत हैंडसम लगता हूँ उन्हें मैं। हैंडसम? और तुम कार्टून लगते हो, कार्टून। क्या बात करती है मोटी बहन, कल ही तो तूने मुझे कहा था कि मैं हैंडसम लगता हूँ और आज मुझे कार्टून बोलती है। मैंने तुझे कहा था कि तू हैंडसम लगता है,
मैं क्या पागल हूँ क्या? मैंने तुझे ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ। हाँ मोटी बहन, तूने नहीं बोला था कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ? नहीं। तो किसने मुझे बोला था? किसने? आई लॉट। कोई लड़की ने तो मुझे हैंडसम नहीं बोला था? हाँ, लड़की ने कहा था ना, सपने में। चलो सपने में तो सपने में ही सही, किसी ने मुझे हैंडसम तो कहा। रसिक भैया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ए मासी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तुम ही करो। अरे शीतल की शादी अकुल से हो रही है, इसी खुशी के लड्डू है, लीजिए। रसिक, मासी जाने दीजिए, आप ना इसकी बातों का बुरा ना मानिए, ये तो भुलक्कड़ है, आप जानती हो। अरे तू भुलक्कड़ है तो क्यों बोलता है? इसे पता ही नहीं ना कब कहाँ क्या बोलना है। क्यों, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं मासी, आप ही कहिए, आपने ये लड्डू इसीलिए मंगवाए ना कि मयंक भैया की शादी शीतल से टूट गई। रसिक, बाकी एकदम टेस्टी लड्डू है। जाने दीजिए ना मासी, मैंने कहा ना कि एक नंबर का भुलक्कड़ है। कांता बहन इसे समझा दो, अगर इसने ये बकवास मयंक के सामने की ना तो इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। रसिक, तुम एक दिन हमें जरूर घर से बाहर निकलवाओगे। क्यों? क्या क्यों? मयंक भाई की शादी शीतल के साथ टूट गई है, इसी खुशी में ये लड्डू है ना, ये कहने की क्या जरूरत है? तुम भुलक्कड़ हो तो चुप नहीं रह सकते? ना हो मोटी बहन, ये सब मैंने भूल के नहीं बोला था। यानी तुमने जानबूझ के देवयानी मासी को जरा मिर्ची लगाई थी। बेशर्मी की भी हद होती है, यहाँ तक पहुँच गया? ये बजाज जी से किस तरह बात कर रहे हो? हाँ तुम तो बोलोगी, इनके लिए तो कोई कुछ भी कहे तुम्हें तो बुरा लगना ही। बात तो ऐसी है बजाज साहब की जुबान पर नहीं आती। तुम्हारे बाप ने और मेरी बीवी ने मिलकर जो गुल खिलाए हैं ना, उससे मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ सकता। आप दोनों ने क्या किया? अरे आप दोनों ने वो किया है जो कोई शरीफ इंसान सोच भी नहीं सकता। आपके और मेरी बीवी के बीच जो नाजायज रिश्ते हैं ना, उन नाजायज तालुकात की निशानी शांतनु को मैं अभी अभी फेंक कर आ रहा हूं। नहीं, झूठ है, झूठ है, झूठ है ये सब, झूठ। क्या हुआ डॉक्टर, तनु ठीक तो है ना? गहरा सदमा लगा है उन्हें, आराम की सख्त जरूरत है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना की जाए जो उन्हें डिस्टर्ब करे। मेरा ट्रीटमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो सो रही हैं। ये कुछ दवाएं मैंने लिख दी हैं, आप बाजार से मंगवा लीजिएगा। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर देना। जी थैंक यू डॉक्टर, वेलकम। मेरी वजह से आज तनु जी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कितना सुनाया साहिल ने आज उन्हें, जो गलती उन्होंने की ही नहीं उसकी सजा उन्हें मिल रही है। आज उनके साथ जो हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। मुझे साहिल से बात करनी होगी, मुझे साहिल से मिलना होगा, अभी इसी वक्त। गोपी, गोपी। जी साहब। ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, इनको लेकर चल गाड़ी तक। जी साहब। चल। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, जब भी हमारी शादी की बात होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, आज भी पता नहीं क्या होगा।
तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र करो शीतल, सब ठीक हो जाएगा। अकुल पापा बहुत गुस्से में साहिल जीजू के घर गए हैं, कह रहे थे कि आज तो फैसला हो ही जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? देखो शीतल, साहिल जीजू ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। बजाज अंकल को उससे कितनी तकलीफ पहुंची, ऐसा उन्होंने सोच भी कैसे लिया? देखो ना अकुल, साहिल जीजू ने पहले तनु दीदी पर इल्जाम लगाया और उन्हें छोड़कर चले गए, और अब वो शांतनु को लेकर शक कर रहे हैं। शांतनु को लेकर, अपने बच्चे को लेकर। शीतल, जब इंसान को किसी अपने पर शक हो जाता है ना, तो उसे उसकी हर चीज गलत लगने लगती है। उस वक्त उसे एहसास तक नहीं होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है गलत है। लेकिन जब बाद में उसे एहसास होता है ना, तो उसे अपने शक को सोचकर पश्चाताप होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम ठीक कह रहे हो अकुल, शक आदमी को सही दिशा में सोचने ही नहीं देता। बेचारी तनु दीदी, मुझे तो उनकी बड़ी चिंता लग रही है। वो सबका भला चाहती है, सबके बारे में सोचती है, और उन्हीं के साथ इतना बुरा हो रहा है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। बजाज जी कहाँ है? मामा, बजाज अंकल साहिल जीजू से मिलने गए हैं। क्या? साहिल से? लेकिन क्यों? इस वक्त साहिल से बजाज जी का अकेले मिलने जाना ठीक नहीं था। मुझे तुम्हारे पापा को भी वहां होना चाहिए था, पर दोनों के बीच बात पड़ गई तो मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ और हम लोग भी वहां जाते हैं। नहीं, आप लोग वहां मत जाइए। पापा ने कहा है कि ये उनके और साहिल जीजू के बीच का मामला है और वो उनसे खुद ही निपटेंगे। ये तो बहुत डर लग रहा है, कहीं दोनों के बीच बात बढ़ गई तो। तुम्हारे पापा को ये बताना बहुत जरूरी है कि बजाज जी साहिल से मिलने गए, फिर वो चाहे जो निश्चित करे। अकुल, ये दुनिया हमारी दुश्मन क्यों हो गई है? तनु दीदी की दुश्मन क्यों हो गई है? शीतल, ये दुनिया नहीं बल्कि ये परिस्थितियां हमारी दुश्मन हो गई। एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही हैं और खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। लेकिन साहिल जीजू के दिमाग में ये बात डाली किसने कि शांतनु उनका बेटा नहीं है? ये गलत बात जिसने भी डाली है ना उनके दिमाग में, उसने ठीक नहीं किया। लेकिन अकुल, अब हमारा क्या होगा? सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और सही। हो सकता है भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहा हो। सब ठीक हो जाएगा।